हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 1। तो चले स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में गिवन है यू सिंथेटिक डिवीजन टू फाइंड द कोशेंट क्यू ऑफ एक्स एंड रिमाइंडर आर व्हेन फर्स्ट पॉलिनामियल इज डिवाइडेड बाय द सेकंड बाइनामियल। हमें ये पॉलिनामियल दिया गया है, इसको हम x प्लस 3 पे डिवाइड करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। तो सिंथेटिक डिवीजन का तरीकाकार बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम वेरिएबल जो गिवन हो इसमें, इसका कोएफिशिएंट लेंगे। तो इसमें सबसे बड़ा टर्म जो है वो 3x क्यूब है, फिर 2x स्क्वायर है, फिर x है, फिर माइनस 1 है। तो हम कोएफिशिएंट लेंगे, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 3 है, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, फिर माइनस एक्स का कोएफिशिएंट माइनस 1 है, और फिर कांस्टेंट टर्म माइनस 1 है। फिर एक्स प्लस 3 ये डिवाइजर जो है, इसको हम 0 के बराबर लिखेंगे, एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आई माइनस 3, तो माइनस 3 पे हम डिवाइड करेंगे, माइनस 3 हम यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद अगले स्टेप में ये पहला टर्म जो है 3, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे 3, फिर 3 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू माइनस 3 से आता है माइनस 9, फिर माइनस 9 प्लस 2 इसको हम ऐड करेंगे तो इससे आता है माइनस 7, फिर माइनस 7 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7 इंटू माइनस 3 से आता है प्लस 21, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर 21 माइनस 1 से आता है 20, तो 20 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर 20 को माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 इंटू माइनस 3 से आता है माइनस 60, माइनस 60 माइनस 1 तो इससे आता है माइनस 61। तो लास्ट में जो नंबर आए वो हमारे पास रिमाइंडर होगा, तो माइनस 61 ये जो है ये रिमाइंडर है। इसके बाद ये बाकी जो टर्म है ये हमारे पास क्वेश्चन आएंगे, हम लास्ट से शुरू करेंगे। ये इसको हम कांस्टेंट में लेंगे, इसको एक्स के साथ और इसको एक्स स्क्वायर के साथ लेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन इस तरह बनेगा, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 20, 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 20 और रिमाइंडर r, तो वो हमारे पास आया माइनस 61। पार्ट टू में गिवन है 2x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 27, इसको हम डिवाइड करेंगे x माइनस 3 पे। तो सबसे पहले हम कोएफिशिएंट लेते हैं, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 2 है, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 7 है, फिर एक्स का कोएफिशिएंट 12 है और कांस्टेंट टर्म माइनस 27 है। तो डिवाइजर में एक्स माइनस 3 है, तो एक्स माइनस 3 को जब हम 0 के बराबर लिखें तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी 3, तो हम 3 पे डिवाइड करेंगे। इसके बाद 2 को यहाँ पे लिखेंगे, फिर 3 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 से आता है 600, फिर माइनस 7 प्लस 6 से आता है माइनस 1, फिर माइनस 1 इंटू 3 से तो माइनस 3, तो 12 माइनस 3 से आता है 9, फिर 9 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 9 इंटू 3 से 27, तो रिमाइंडर हमारे पास यहाँ पे 0 आता है। और क्वेश्चन जो है वो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9, तो क्वेश्चन हमारे पास आया 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 9 और रिमाइंडर हमारे पास आया 0। पार्ट 3 में गिवन है 2x पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 और डिवाइजर में है x प्लस 2। सबसे पहले हम कोएफिशिएंट लेंगे, x पावर 4 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2 है, इसके बाद एक्स स्क्वायर है और एक्स क्यूब नहीं है, तो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट हम 0 लेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट माइनस 3, फिर एक्स का कोएफिशिएंट 5 और कांस्टेंट टर्म माइनस 7 है। डिवाइजर में एक्स प्लस 2 है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस 2, तो माइनस 2 को हम लेंगे।
फिर इस अगले स्टेप में टू को यहाँ पे लिखेंगे, फिर टू इंटू माइनस टू से आधा है माइनस फोर, माइनस फोर प्लस जीरो से आधा है माइनस फोर, फिर माइनस फोर को माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस से प्लस फोर इंटू टू से एट हो, फिर एट माइनस थ्री से आधा है पायो, फिर पायो को माइनस टू के साथ तो माइनस टेन, माइनस टेन प्लस पायो से आधा है माइनस पायो, फिर माइनस पायो को माइनस टू के साथ तो माइनस पायो इंटू माइनस टू से आधा है प्लस टेन, फिर टेन माइनस सेवन से आता है थ्री, तो थ्री हमारे पास आया रिमाइंडर, और बाकी जो टर्म है ये हमारे पास कोशेंट आया। तो इसको हम कांस्टेंट टर्म लेंगे, इसको एक्स और इसको एक्स स्क्वेयर और इसको एक्स क्यूब, तो कोशेंट हमारे पास इस तरह आएगा क्यू इज इक्वल टू टू एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, टू एक्स क्यूब फिर माइनस फोर एक्स स्क्वेयर फिर प्लस फाइव एक्स माइनस फाइव और रिमाइंडर हमारे पास आएगा थ्री। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।